मुझे 2 साल पहले कुछ तकलीफ हुई थी, गोल ब्लैडर का पेन उठा तो, लेकिन मैंने दवा ली तो मुझे कुछ आराम था। फिर अभी महीने भर पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, वो डॉक्टर हैं रेडियोलॉजिस्ट हैं गुवाहाटी में, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें पता चला कि इनका गोल ब्लैडर स्क्वीज हो गया है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इमीडिएट सर्जरी करानी चाहिए। और डॉक्टर चौबे साहब के पास हम लोग आए कि माँ का ऑपरेशन हमने 20 साल पहले कराया था, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड थे, तब हम लोग सीधे यहीं आ गए। मिसेस रीना जलान आसाम से आई हैं अपनी रोबोटिक सर्जरी करने के लिए, इनका गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम था। डॉक्टर साहब ने मुझे रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही मतलब कि कट वगैरह नहीं होते हैं, 4 मेरे पंच किए गए और फिर उसके अंदर से पाइप इंसर्ट करके बहुत ही 15 मिनट का ही हार्डली एक सर्जरी होती है। और इसके इससे यही फ़ायदा है कि ना तो मुझे किसी भी रकम का दर्द का एहसास हुआ, ना ही मुझे कोई तकलीफ हुई। और रोबोटिक सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो सर्जन को और जो पेशेंट को मिलता है कि ये 3-डायमेंशनल सर्जरी होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी 2-डायमेंशनल सर्जरी होती है, तो एक डायमेंशन का हमको लॉस होता है, हमको डेप्थ परसेप्शन जज करना पड़ता है, बट रोबोटिक सर्जरी में ये 3-डायमेंशनल सर्जरी है, तो हम सर्जन एज ए सर्जन हमारा सेफ्टी बढ़ जाती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और एक्चुअली जिस लोकेशन में जिस जगह पे हम क्लिप लगाना चाहते हैं या काटना चाहते हैं या डिसेक्शन करना चाहते हैं, वो हमको 3-डायमेंशन मिलने के कारण हमारी एक्यूरेसी और सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, कल इनकी रोबोटिक सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद ही 2 घंटे बाद करीब उनको रूम में लाया गया, उसके आधे घंटे बाद से ही वो खुद ही वॉकिंग की लॉबी में 2-3 चक्कर लगाई। शाम को डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब को हमने पूछा कि पहले सर्जरी में जो होता था वैसे प्रिकॉशन रखना है, बोले कुछ नहीं रखना है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं गाड़ी चलाइए, अपने नॉर्मल लाइफ जैसे जीते हैं वैसे कल से आप जी सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ्यूचर जो होगा वो रोबोटिक सर्जरी होगा कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए और कॉमन सर्जरीज के लिए एज वेल एज एडवांस सर्जरी के लिए। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि सबको यही सर्जरी करानी चाहिए। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, खाना पीना नर्सिंग सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो मैं तो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली सभी को रिकमेंड करूँगी कि सब लोग यहीं आए और यहीं पर अपनी इलाज करवाए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.